आज हमें पढ़ना है सेवन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है? ये कहता है कि हमेशा हर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी आप कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, उसके इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 होता है, 180 से ज़्यादा या कम नहीं होता है। यहाँ पर अभी एक सिंपल एक्सरसाइज कहता है, एक्टिविटी कहता है, जिसके ज़रिए हम इसे प्रूव कर सकते हैं। कहता है कि आप एक पेपर पर एक सिंपल सा ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, उसके बाद इसको आप काट लीजिए, ठीक है। इन एंगल्स को आप अलग से निकाल लीजिए ऐसे। उसके बाद जब आप इन एंगल्स को आपस में जोड़ेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर इसने जोड़ के दिखाया है, तो जब आप इन तीनों कॉर्नर्स को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की शेप ले लेता है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये प्रूव करके देता है कि हमेशा इन सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यानी ये सिंपल है और सभी को पता है कि सारे एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कहता है, द सेम फैक्ट यू कैन ऑब्जर्व इन अ डिफरेंट वे, टेक 3 कॉपीज ऑफ एन ट्रायंगल। कहता है उसके बाद आप एक तीन कॉपीज बनाइए एक ही ट्रायंगल के, उसके बाद इन तीनों कॉर्नर्स को आपस में आप मिला लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर उनके तीन कॉर्नर्स को आप आपस में मिला लीजिए, यहाँ पर भी आपको ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ पर भी ये तीनों कॉर्नर्स का सम किसके बराबर दिखाएगा, 180 डिग्री के बराबर। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी कहता है, यही सिंपल, यही सेम प्रोसीजर, ये सेम फैक्ट को प्रूव करने के लिए कहता है, अब आप एक ही ट्रायंगल को ले लीजिए, अब उसके इस कॉर्नर उसको आप आपस में फोल्ड करके यहाँ पर टच करवा दीजिए। जैसे इसने अब इसके लिए एक पॉइंट लेने के लिए इसमें मीडियन डाल दिया है, ये ऑल्टीट्यूड डाल दिया है एट द पॉइंट एम। कहता है अब इन कॉर्नर उसको, सभी कॉर्नर उसको आप जमा कर लीजिए एम पर, यहाँ पर इसने यहाँ पर दिखा है। ए को भी एम पर लाना है फोल्ड करके, इस बी को भी यहाँ पर लाना है फोल्ड करके, और सी को भी यहाँ पर लाना है फोल्ड करके, जैसे इसने यहाँ पर लाया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये देख लीजिए, आप खुद भी देख सकते हो, ये देख लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। बी ए सी जब सम हो जाता है, एक ही जगह पर आ जाता है, तो ये देख लीजिए एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये भी प्रूव करता है कि 180 डिग्री होता है। उसके बाद आप कहता है कि आप रफली कोई भी तीन एंगल्स ड्रा कर लीजिए या चार पांच एंगल्स ड्रा कर लीजिए, उसके बाद प्रोट्रैक्टर से उन सब को माप लीजिए, और बाद में उन सभी एंगल्स का सम कीजिए, वो आपको हमेशा किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। यानी इससे हमें पता चलता है कि हमेशा एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर भी इसने लिखा है, द टोटल मेजर ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पर एक क्या है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। यानी एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी हमेशा एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया, ए बी सी, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। ये मैंने आपको बुक पर भी दिखाया। तो इसका मतलब अगर मेरे पास दो ही एंगल्स का सम पता है, ठीक है, मेरे पास दो एंगल जो है, तो मैं तीसरा एंगल आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एंगल ए दिया हुआ है 55 डिग्री और एंगल सी दिया हुआ है 65 डिग्री, तो मुझे एंगल बी निकालना है, तो मेरे पास मुझे पता है एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मेरे पास है 55, एंगल बी मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालना है, एंगल सी मुझे पता है, ठीक है, एंगल सी मुझे पता है 65 डिग्री, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे एंगल बी निकालना, तो मैं क्या करूँगा, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, ये 55 मैं उस साइड ले लेता हूँ, माइनस 65 को मैं उस साइड ले लेता हूँ, तो एंगल बी मेरे पास क्या निकलेगा, एंगल 180 को माइनस करते हैं, 5 और 5 हो गए 10, यानी माइनस वालों को पहले हम ऐड करेंगे, 5 और 5 हो गए 10, 5 और 1 हो गए 6 और 6 हो गए 12, यानी 120 डिग्री। यानी 180 में से 120 काटेंगे, तो एंगल बी मुझे किसके बराबर निकलेगा, 60 डिग्री। यानी 80 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो वहाँ 60 डिग्री निकलेगा, यानी एंगल बी मेरे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। यानी अगर मेरे पास दो एंगल्स का मेजरमेंट पता है, तो मैं आराम से तीसरे एंगल का ये मेजरमेंट आराम से निकाल सकता हूँ। अब यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम चलते हैं कि इसके एक्सरसाइज 6.3 पर। यहाँ देख लीजिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ द अनोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, कहता है इन सारी शक्लों में आप एंगल एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। पहला है एक एंगल का मेजरमेंट है हमारे पास, यानी पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का पहला पार्ट क्या है, एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी है 60 डिग्री और हमें एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। या आप आराम से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है, इसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज क्या है, ये एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर वन सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या है ये सेकंड पार्ट, ऐसे इसने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, यहाँ पर इसको है 90 डिग्री और यहाँ पर है एंगल एक्स और यहाँ पर है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। मुझे निकालना है एंगल एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको मैं नाम रखता हूँ ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या है मेरे पास 90 डिग्री, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी है मेरे पास 30 डिग्री, एंगल सी मुझे निकालना है, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 और 30 हो गए 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी किसके बराबर निकलेगा मुझे 180 डिग्री, इस 120 को हम उस साइड जब ले लेंगे तो ये बनेगा माइनस 120 डिग्री। तो एंगल सी मेरे पास निकला क्या 60 डिग्री, यानी ये एंगल एक्स जो है, एंगल एक्स मेरे पास क्या निकला 60 डिग्री। हम इसको आंसर चेक करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर वन दूसरा पार्ट, एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। ये देख लीजिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर वन दूसरा पार्ट 60 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको आएगा, ये भी आसान है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर फोर, ठीक है। क्या है, ऐसे है ट्रायंगल, ये 50 डिग्री और ये एक्स और ये भी है एक्स, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम फिर भी यहाँ पर, यहाँ फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स है ना, एंगल एक्स, एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स और एंगल एक्स हो गए टू एंगल एक्स, यानी टू एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, इस 50 को हम उस साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकलेगा, टू एंगल एक्स, यानी दो बार एंगल एक्स, 180 माइनस 50 क्या कितना हुआ 130 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स किसके बराबर निकला 130 डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 वन ज़ार 2, 2 सिक्स ज़ार हो गया 12, 2 फाइव ज़ार 10, यानी 65 डिग्री, यानी एंगल एक्स मुझे निकला 65 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का। यानी ये भी है 65 डिग्री, ये भी है 65 डिग्री, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर वन का चौथा वाला पार्ट, ये देख लीजिए एक्सरसाइज 6.3 65 डिग्री, ठीक है, एंगल एक्स है 65 डिग्री। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पांचवा वाला पार्ट, क्योंकि ये आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाकी आपको आएंगे। अब हमारे पास है पांचवा वाला पार्ट, ठीक है। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इसके सभी एंगल्स क्या हैं बराबर, हर एंगल क्या है एक्स के बराबर, ये भी है एक्स, ये भी है एक्स, ये भी है एक्स, क्योंकि इसमें कोई एंगल हमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि सभी तीन एंगल्स का जमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब
थ्री टाइम्स एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ये तीन गुना कर रहा है ना एंगल एक्स को, तो एंगल एक्स किसके बराबर निकलेगा हमें 180 डिग्री डिवाइड बाई थ्री, 180 डिग्री डिवाइड बाई थ्री, क्योंकि तीन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में बन जाएगा, तो 3 1 0 हो गया 3, 3 6 0 हो गया 18, यानी 60 डिग्री, यानी एंगल एक्स किसके बराबर निकला मुझे 60 डिग्री। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री के बराबर है। इस तरीके से हमें ये सारे एंगल्स का पता चल गया एक्स एंगल्स, तो भी चेक करते हैं, ये पार्ट नंबर 5 है, 6.3 का पार्ट नंबर 5, यहाँ एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट नंबर 5, ये देख लीजिए 60 डिग्रीज, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है।